अभिनंदन। फ्राइडे फेस्ट एट 7 PM पावर्ड बाय मैजिक ऑफ प्लेयर्स बाय राजेश तारा के। जैसा कि हमने आपको बताया था, 25 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आज इस समय मैं खड़ा हूँ चौक हौस काजी, पुरानी दिल्ली की चौक हौस काजी पे। अपने आप में बहुत ऐतिहासिक जगह है और मैं, जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम कुछ गेस्ट के साथ ये सेलिब्रेटरी फूड बॉक्स कर रहे हैं कि हमारे 25 एपिसोड पूरे हुए उसकी खुशी में। तो हमारे गेस्ट आ चुके हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे चापड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन है। चलिए लेट्स गो। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि मैंने बताया था अपने शो में, फ्राइडे फेस्ट 7 PM के 25 शोज पूरे हो रहे हैं नेक्स्ट वीक में। तो हमने सोचा कि उसके लिए एक छोटी सी फूड वॉक करते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस फूड वॉक। अभी हम खड़े हैं चापड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन पे और हम यहाँ से आपको लेके चलेंगे मेन चावड़ी बाजार में, क्योंकि चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन एक्चुअली चावड़ी बाजार में नहीं है, करीब 100 मीटर्स पे चौक हौस काजी है, विच इज़ अ हिस्टोरिक प्लेस। और चौक हौस काजी पे मैं एक मिनट लगाऊंगा आपको बताने के लिए कि उसकी और क्या क्या वहाँ पे स्ट्रीम्स हैं। आज हम आपको 3 या 4 लोकेशन पे लेके जाएंगे, इट्स अ शॉर्ट फूड वॉक, 1 घंटा 1.5 घंटे में पूरा करेंगे। आपको 3 या 4 लोकेशन पे ले जाएंगे, वी ट्राई टू मेक यू टेस्ट 4 और 5 डिशेस। 2-3 चीज़ें उसमें मैं आपको डूज एंड डोंट्स बता देता हूँ। डिश पे कंसंट्रेट करना, उसके आसपास कंसंट्रेट मत करना, डोंट एक्सपेक्ट हाइजीन। अगर आप हाइजीन देखना चाहोगे, यू नॉट एबल टू कम टू चांदनी चौक। यस, डोंट कम टू चांदनी चौक। देन दूसरा, चांदनी चौक की स्पेशलिटी उसके मसाले, जो मसाले चांदनी चौक में मिलते हो पूरी दिल्ली में कमर्शलाइजेशन में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट मे साउंड अ वेरी ऑर्डिनरी डिश, मैं आपको एक जगह लेके जाऊँगा, वहाँ पे आपको छोले और कुलचे, मटरा और कुलचा मिलेगा, लेकिन वो पूरी दिल्ली में क्या, पूरे इंडिया में अगर फेमस है तो लोटन का छोले कुलचे। लोटन इज़ समथिंग जो 70-80 साल से लोटन जी जो हुआ करते उन्होंने चलाया था, छोटी सी गली में, इससे आधी पेवमेंट पे बैठ के करते थे और एक साल पहले तक भी वो पेमेंट पे बैठ के सर्व करते थे, आज भी है, लेकिन पीछे उन्होंने एक दुकान ले ली है तो दुकान से सर्व करते हैं। अगर आपको 4-5 जगह हम लेके जाएंगे तो ट्रिक इज टू मैनेज योर पोर्शन, सो वी आर मैनेजिंग योर पोर्शन। हम आपको एक कुलचा देंगे, एक छोटी बोल से छोले देंगे टेस्ट करने के लिए, और जिस पानी के अंदर, जिस स्पाइसेस के अंदर छोले बॉयल करते हैं, पूरी पूरी आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, वो खिलाएंगे। दैट विल बी 2 each। तो एक सिंगल प्लेट आपको सबको मिल जाएगी, 2 भेंडवी पूरी दी, इट विल बी गुड इनफ फॉर यू। फिर वहाँ पे एक और आइटम उनकी स्पेशलिटी है, वो हम भेंडवी पूरी से पहले आपको खिलाएंगे, नागौरी हलवा। नागौरी इज लाइक ए गोलगप्पा, नागौरी इज लाइक ए बड़ा गोलगप्पा, इट इज मेड ऑफ सूजी। उसके बाद हम आपको ऑफर करेंगे दौलत की चाट। दौलत की चाट अभी शुरू भी हुई है यहाँ पे, लेकिन एक दुकान ऐसी है जो सीताराम बाजार में है और बहुत पुराना जानते हैं, बहुत सारे लोग उसको दौलत की चाट को नहीं जानते। दौलत की चाट 90% लोग जो खाते हैं सड़क पे, जो रेडियो में मिलती है, वो हम आपको खिलाएंगे स्पेशल दौलत की चाट, वो मिट्टी के कसौरे के अंदर आपको बना के देंगे। दैट इज़ द बेस्ट दौलत की चाट अवेलेबल इन दिस कंट्री, उससे बढ़िया दौलत की चाट कहीं नहीं मिलेगी। आप उसको या तो मलाइयों खा सकते हैं बनारस में जाके, या मक्खन मलाई खा सकते हैं लखनऊ में जाके, तो ये दौलत की चाट है। दौलत की चाट के बाद हम आपको लेके चलेंगे जगह पे, भाई बराबर में सब चीज़ें साथ साथ हैं, वो है फ्रूट सैंडविच, मिक्स फ्रूट और ब्रेड के साथ, बटर के साथ, कुछ सॉसेज के साथ, सॉल्ट एंड पेपर के साथ, वो फ्रूट सैंडविच बनाते हैं, वो भी पूरे इंडिया में। आपको वहाँ 2 रास्तों से लेके जाऊँगा, 1 रास्ते से लेके जाऊँगा, 2 रास्ते से निकालूंगा। जहाँ लेके जाएंगे, अगेन डोंट लुक फॉर दी हाइजीन, लेकिन वहाँ आपको एकदम टिपिकल रस्ट्रिक पुराने ज़माने का जो कैफे होता वो दिखेगा। और जब हम आपको वापस निकालेंगे, एक कितनी गली से निकालेंगे जिसमें से ऐसे टाइम एक आदमी निकल सकता है, मनमोहन में भी एज अ बैक ऑफ द ग्रुप, सो दैट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा
तो वी विल बी एबल टू कवर, अदरवाइज आप बहुत देर हो जाएगी। राहुल इज लीडिंग दैट ग्रुप, यू वांट अ ग्रुप फोटोग्राफ, चलिए लेट्स हैव अ ग्रुप फोटो। आइए आजकल जो कुलचे मिलते हैं वो ज्यादातर वो मोटे वाले होते हैं। हाँ। ये जो कुलचे की ऑथेंटिसिटी है, I think it is really good. We love it. Thank you. ऐसा कुलचा ऐसा जो कभी नहीं खाया, मटर पहली बार खाया है, बहुत अच्छा है, कोई मसाला ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बराबर है, खाने में बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, I'm enjoying it. बहुत टेस्टी है, मैंने पहली बार ऐसा मटर कुलचा खाया है और मैं पहली बार से पुरानी दिल्ली में फूड वॉक पे आई हूँ और मैं पहली बार ये खा रही हूँ और इतना टेस्टी मैंने आज तक नहीं खाया है। बहुत तरह के मैंने मटर कुलचा खाए हैं पर इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। जो इसके ऊपर ये जो लाल रंग आ रहा है जिसको लाली बोला है अभी मुझे बताया गया है, उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर और बटर का फ्लेवर बिल्कुल ही अलग है। थैंक यू सो मच। नागौरी बार है ये हल्की सी सॉल्टेड है और हलवा मीठा, आपको दोनों टेस्ट आएंगे। ले मुस्का यूनिक है, आपको कहीं मिलेगा।
आलू पूरी कद्दू की सब्जी. आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर क्वाइट सम टाइम फॉर मेनी ईयर्स एंड अगेन द सेम थिंग रियली एंजॉयड द कंपनी एवरीबॉडी हियर दैट्स ग्रेट. हाय, ये हिम्मत तारा साहब की थी कि हमको यहाँ श्याम स्वीट्स तक ले आए. बेड़वी पूरी खाई ब्रिलियंट और अचार हमने खाया उसका क्या नागौरी हलवा खाया बहुत मज़ा आया. ऐसी चीज़ें आपको नॉर्मली बाहर मार्केट्स में नहीं मिलती हैं. सो आई थैंक तारा साहब कि उन्होंने हमें जगह की जगह दिखा दी और यहाँ पे इतना बढ़िया खाना खिला दिया. थैंक यू. मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले खाया नागौरी हलवा. हलवा बहुत टेस्टी था. मेरी फेवरेट डिश है हलवा, लेकिन मुझे यूजुअली हर जगह का हलवा नहीं पसंद आता. परफेक्ट मीठा, परफेक्ट बैलेंस मीठा, बहुत अमेजिंग. बिल्कुल हैवी भी नहीं हुआ. और उसके बाद जो हमने बेड़वी पूरी और सब्जी खाई, मैं सच में नहीं खाती, लेकिन वो इतनी फ्लेवरफुल सब्जी थी, इतनी अच्छी, बहुत यम टेस्ट उसका और मज़ा आ गया. मैं दोबारा फिर यहाँ के खाना चाहूँगी. दौलत की चाय बहुत अच्छी थी, बहुत लाइट और इतनी क्रीमी. बैलेंस एकदम बैलेंस मीठा था. मैं खूब मजा आया, मैं खूब एंजॉय किया. रेस्टोरेंट टाइप से मेरे दिमाग में आएगा, लेकिन जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ ये समझ लो एकदम रस्टिक प्लेस है. आई थिंक मेनी ईयर ओल्ड, 70-80-90 ईयर ओल्ड. और ये कॉफी हाउस को बोलते हैं, तो यू विल फाइंड अ ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेस. रस्टिक है, हम किस रास्ते से आ रहे हैं, जाएंगे दूसरे रास्ते से जो गली है, जिसमें एक टाइम पे एक आदमी गुजर पाएगा कब. Bread and it tastes amazing. If you haven't been here, please do seek Tara-san's help. This tour has been just phenomenal. So thanks Tara-san for having us. We love you. अगर आप बहुत ही पुरानी aesthetic या एक rustic जगह पर आना चाहते हैं और कुछ यहाँ की स्पेशलिटीज है फ्रूट सैंडविच वो खाना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी प्लेस है आने के लिए. मैंने जस्ट अभी ट्राई किया है, इट्स वर्थ ट्राइंग, वर्थ कमिंग हियर. थैंक यू. आपको गूगल भी आने पहुँचा सकता हूँ, और एक छोटी सी गली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. एट ए टाइम एक आदमी निकलेगा और बाहर निकलते ही आपको मैं निशानी बता दूंगा. एक तो इसके बराबर में दूसरी दुकान है और कॉर्नर में सर, हाँ वो ठीक है, वापसी आते जाएंगे, वहाँ कॉर्नर पे गुजराती नमकीन भंडार है, तो वो निशानी है इसकी अगर आपको यहाँ आना है तो. फ्रूट सैंडविच सिर्फ जैन साहब के पास ही खाना है, बाहर की शॉप को आपको कहेंगे हम खिला देंगे, लेकिन इससे बढ़िया नहीं खिला सकते. ये गेट डिटोर है, तो ये जैन सैंडविच
ये कॉर्नर पे गुजरात सब्जी बता रहे हैं, यहाँ पे फाफड़ा जलेबी वगैरह वो भी खा सकते हैं। सीधे चले जाएंगे तो जहाँ मुझे शाम से क्रॉस करके कुल्ले की चाट खिलाता है, वो कुल्ले की चाट विच इज क्रिएटेड बाय हिम वर्ल्ड फेमस। उससे और आगे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में शाकाहारी रेस्टोरेंट है, मैं दिखाऊंगा, दैट इज फॉर वेजिटेरियन फूड लंच एंड डिनर, उससे बढ़िया वेजिटेरियन नहीं मिलेगा। और आगे जाएंगे राइट हैंड साइड में एक मेट्रो पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा, उससे अंदर जाएंगे, स्टैंडर्ड पूड़ी, पंजाबी पूड़ी और सब्जी, और उसको संडे वाले दिन उसकी टक्कर के ऊपर एक कचौरी और सब्जी बनाता है, वो सिर्फ संडे को बनाता है सुबह। उससे और आगे जाएंगे जस्ट एट द चौक फौजकाजी कॉर्नर पे अशोक चाट भंडार है, अशोक चाट भंडार यू कैन ऑल्सो इंजॉय अराउंड 11-12 o'clock। वहीं पे चौक के ऊपर हो सकता है अभी आ गया हो, नहीं तो 11-12 बजे आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक फर्स्ट फ्लोर वाले छोले भटूरे, फर्स्ट फ्लोर मीन वो स्टेज के ऊपर लगा के ऊपर बैठता है तो इसलिए उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। छोले भटूरे ज़्यादा दम नहीं है लेकिन वो अपना एक स्टाइल है, तो लेट्स गो, वी'ल हैव अ कप ऑफ टी, देन वी गो टू चौक फौजकाजी, वी'ल गिव यू अ गिफ्ट एंड देन नमस्ते। ये कुल्ले की चाट है, फ्रूट का फ्रूट चलते हैं उसके अंदर फ्रूट चाट बनाते हैं। ओ तभी ये खुलेगा। So this experience, I can say it has been out of the world. I actually went to bed at 4 o'clock and got up for this. So you've got to do it. We started the walk. We went and had Lattan ke kulche chole. And then we went into Sham Sweets. We had Bermi Puri. We had Loki ka achar. We had Halwa. Thanks to Friday Fiesta for doing it. And all I can say is, फ्राइडे फिएस्टा चलाते रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं तारा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, यहाँ आकर के काफ़ी दिन से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं इस एरिया में आया, जिस जिस जगह में गए सारी जगह एक से बढ़कर एक है, सब चीज़ों में स्वाद अलग ही था, ऐसा स्वाद कहीं नहीं खाया। सबसे बढ़िया लगा शाम स्वीट का जो था नागौरी हलवा, वो चीज़ थोड़ी अलग थी। फ्रूट सैंडविच वो भी ज़िंदगी में पहली बार खाया, नई नई जगह देखी। मैं यहाँ पे बार बार आना चाहूँगा, परिवार को लेके आना चाहूँगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, और मैं चाहूँगा ऐसे फूड वॉक और भी हों और उसमें हम लोग शामिल हों। फ्राइडे फिएस्टा चलाते रहो। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, ऐसा ऐसा खाना खाया जो कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, बहुत मज़ा आया। और खासकर दौलत की चाट, लोटन के कुलचे छोले और भी था, और अंत में ये कहना चाहूँगा कि फ्राइडे फिएस्टा चलाते रहो। बहुत ही अच्छा रहा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे गए जहाँ पे शायद हम अकेले तो कभी नहीं पहुँच सकते थे, मतलब एडवांटेज यही था कि इकट्ठे एक बार में बहुत ही टेस्टी खाने को मिल गया। एंड उसके अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे स्टैंडर्ड वेज वाला बंदा बताया तो उस पर काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी था, और बेस्ट ये था कि ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा था, जहाँ गए वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी रेडी था, तो ज़्यादा कोई हैसल हुआ नहीं, इट वॉज़ अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। एंड वी गॉट टू नो हिस्ट्री सारी चीज़ों की, डिशेज कैसे ईजाद हुए थे और सबके फ्लेवर्स के बारे में एग्जैक्टली रेसिपीज तक मतलब बताई गई, सो इट वॉज अमेजिंग।
So Friday fiesta. चलाते रहो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू मिस सतारा ओके जिन्होंने इतना बड़ा इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया एंड वी हैव विजिटेड दोज प्लेसेस जहाँ पे कभी हम सोच के भी नहीं आ सकते थे लाइक लॉटन की चाट श्यामजी स्वीट्स देन देर वॉज दौलत की चाट देन जैन सैंडविच एंड ऑल एंड वो इतने फिनोमिनल टेस्ट में थे कि देर इज़ नो कंपेरिजन हमने सब कुछ खाया बट एक एक पीस एक एक प्लेट हमने सबको पैक भी कर दिया इसलिए जस्ट वी आर अगेन थैंकफुल टू मिस सतारा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वॉक and we request him to organize few more walks theek hai na in short durations so that ki hum jaldi aap jaldi jaldi nayi nayi jagah pe jaate rahe aur nayi cheezon ko explore karte rahe so I will always say theek hai na friday fiesta chalate raho it's been an amazing experience I am definitely looking for the next one ye jo tara sahab ne jagah hame dikha di hain ye hum log khud to dekh nahi sakte the really enjoyed this walk in the morning and enjoyed the food फ्राइडे फिएस्टा चलाते रहो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था ओवरऑल स्पेशली सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आए हैं और बहुत वर्दी था यहाँ पे आना बहुत अच्छा काम किया है पूरी फ्राइडे फिएस्टा टीम ने और हाईलाइट था वो बटरी मटर कुलचा फॉर मी मैं यहाँ दौलत की चाट स्पेशली खाने आई थी और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छी और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी अमेजिंग होगी और मुझे वैसे भी मीठा बहुत पसंद है वो बहुत अच्छी और मुझे सबसे अच्छा लगा था हलवा जो सुबह सुबह आके हमने खाया है और वो बिल्कुल टेस्ट उसका बिल्कुल डिफरेंट था पहले कभी नहीं ऐसा हलवा खाया था और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि अंकल ने हमें यहाँ पर लेके आए हैं आई विश कि अब हमें अंकल जो नेक्स्ट जो है डिनर वॉक के लिए लेके आए ताकि हम और डिशेज यहाँ पर जो है ट्राई कर सकें So Friday Fiesta at 7 PM powered by Magic of Flavors by Rajesh Tara की celebratory food walks जो 25वें एपिसोड के उपलक्ष्य में की गई थी आज यहाँ संपन्न हुई है हमारे साथ जुड़े हुए 20-25 लोग बहुत ही खुश गए हैं और हर आदमी ने हमको ये कहा है Friday Fiesta चलाते रहो और ऐसी food walks करते रहो तो मुझे लगता है अब हमको एक नया सीज़न एक नई सोच के साथ आपके सामने आना होगा हम शायद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद एक नई सीज़न के साथ सीज़न 2 के साथ आपके पास आएंगे तब तक के लिए अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन